मणिपुर के मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर विपक्षी सदस्य खड़े हुए हैं, जिसके कारण राज्यसभा में गतिरोध बना हुआ है। इस बीच सदन में आज हंसी ठिठोली देखी गई। दरअसल सदन में उस समय हंसी की धार दौड़ गई जब सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि वह 45 वर्ष से अधिक समय से विवाहित हैं, यानी शादीशुदा हैं, और वह कभी गुस्से में नहीं आते। दरअसल राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आसन की अनुमति से अपनी बात रखते हुए कहा कि कल सभापति के साथ मुलाकात में उन्होंने मणिपुर संबंधी कार्य स्थगन नोटिस पर चर्चा कराने की विनती की थी, किंतु आप यानी धनखड़ जरा गुस्से में थे। इस पर सभापति ने प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को टोकते हुए कहा कि मैं 45 वर्ष से अधिक समय से शादीशुदा व्यक्ति हूँ, मैं कभी गुस्सा नहीं करता। उनकी इस बात पर सदन में हंसी की लहर दौड़ पड़ी, राज्य सभा में ठहाके लगने लगे। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम एक प्रख्यात वरिष्ठ वकील हैं और वह जानते हैं कि एक वरिष्ठ वकील के रूप में हमें गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं है, कम से कम प्राधिकार के समक्ष। तथा आप यानी नेता प्रतिपक्ष खड़गे एक प्राधिकार हैं, मैं कभी गुस्सा नहीं करता। सभापति ने खड़गे से कहा कि वह अपनी बात में सुधार कर लें। इस पर खड़गे का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि आप गुस्सा नहीं करते, आप गुस्सा दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते रहते हैं। खड़गे की इस बात पर न केवल सभी सदस्य बल्कि सभापति धनखड़ भी खिलखिलाकर हंसने लगे और इस गतिरोध के बीच यह हंसी ठिठोली का खेल चलता रहा।